Hey guys, welcome back to my YouTube channel Dehradun Diaries। और आज हम आए हैं चांदनी चौक मार्केट में और देख सकते हैं लहंगे वगैरह यहाँ पे बहुत ही सस्ते प्राइजेज में अवेलेबल है। 1500 टू 2000 तक की रेंज में आपको ये लहंगा मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ही प्यारे लहंगे हैं 1500 टू 2000 तक की रेंज में। और देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हमारी चांदनी चौक मार्केट में और थोड़ी देर में आपको हम मार्केट में एंटर होने वाले हैं, तो वहाँ का ब्लॉग दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको गली गली में आगे आगे जो है मार्केटिंग के लिए मिलेंगे लोग, जो बोलेंगे लहंगे वाली गली जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, मतलब सब चीज़ आपको खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि लोग इतने हेल्पफुल हैं। वाओ, यहाँ पे देखो 100 रुपीज़ की लाइक स्लीपर्स टाइप मिल रही है, देखते हैं हम 150 रुपीज़ की ये 100 रुपीज़ में, अच्छा है ना। मीन्स 150 रुपीज़ में इतनी अच्छी लग रही थी मुझे स्लीपर्स। गर्मी हो चुकी है इसलिए मैंने स्कार्फ वगैरह डाल लिया है और मास्क पहन लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। 100 रुपये में यहाँ पे आपको पर्स मिल रहा है, यहाँ लड़ाई हो रही है। बड़ी बड़ी चॉकलेट चुपला चुपला आ गया, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है चांदनी चौक के पास। लुक एट दिस, कितना प्यारा गुरुद्वारा है यहाँ पे, लंगर भी लगा होगा यहाँ पे, चल खाने, अरे वाह। हम सोच रहे क्यों ना लंगर खाने भी जाएंगे आते टाइम, अगर गर्मी ज्यादा नहीं रही तो जरूर जाएंगे। सो गाइज़, हम मेन मार्केट में एंटर हो चुके हैं एंड यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है लिटरली। एंड देख सकते हैं सामान तो काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे ना गाइज मतलब ना छोटा सा थोड़ा वो है रोड टाइप का है, तो उसमें हम चल रहे हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा तो शॉपकीपर से ही खड़े हुए हैं यहाँ पे साइड में, देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगी कि मतलब शॉप के बाहर निकल के शॉपकीपर्स लगे पड़े आपको मतलब बोलने में बार बार कि आप इधर आओ, इधर वाली गली में जाओ, यहाँ लहंगे अच्छे, यहाँ लहंगे अच्छे। एंड लिटरली जब तुम वहाँ पे उनके बोलने पे विज़िट करोगे तो वहाँ पे तुम्हें कुछ भी वैसा नहीं मिलेगा जैसा वो बोल के ले गए ले जाएंगे कि यहाँ पे 1500 के लहंगे या 1000 रुपये के लहंगे या 2000 के, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मतलब पागल बना रहे हैं आपको और ताकि आप उनकी शॉप में विज़िट करो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम भी 2-4 बार ऐसे चले गए थे लेकिन वहाँ पे कुछ खास नहीं मिला, इसलिए आप अपने अंदाजे से जाना, इनके भरोसे में मत जाना, ठीक है। तो बाकी सामान अच्छा है यहाँ पे, वैसे काफ़ी अच्छा है। मुझे लाइक चूड़े बहुत अच्छे लगे एंड चूड़ियाँ वगैरह भी बहुत अच्छी लगी एंड लहंगे तो बहुत ही औसम, बहुत ही ज़्यादा औसम है। एंड प्राइजेस कई कई मतलब यह है, जिस प्राइस का आपको चाहिए उस प्राइस का आपको मिल जाएगा। 2000-1500 इस रेंज में भी आपको यहाँ पे लहंगे मिलेंगे जो कि अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। एंड सामान जो है सैंडल्स वगैरह वो तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, चूड़ी वगैरह भी सस्ती है। मींस 100 रुपीज़ का बैंगल सेट मिलेगा आपको, 200 रुपीज़ का मिल जाएगा, 200 से ऊपर का नहीं मिलेगा। एंड जो चूड़े हैं वो आपको 450 से स्टार्टिंग हो जाएंगे, जो चूड़ा सेट आता है पूरा 450 से, जो मतलब ब्राइडल चूड़ा आता है वो स्टार्ट है और इवन 1200 तक है वो, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 टू 1300 तक है, उससे ज़्यादा महंगा नहीं है। मतलब 1300 तक की रेंज में आपको अच्छे से अच्छा चूड़ा मिल जाएगा, वो भी वो मैक्सिमम है, मिनिमम स्टार्टिंग 450 से है तो वो ले सकते हैं। लहंगे देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब हर कदम कदम पे यहाँ पे आपको लहंगे की शॉप मिलेगी, हर कदम पे मतलब हर दो कदम बाद यहाँ पे लहंगे की शॉप है। और ब्राइडल उसके लिए तो मतलब बहुत बेस्ट मार्केट है,
की जिसकी शादी होने वाली है तो उनके लिए बहुत बेस्ट मार्केट है। हर चीज़ अवेलेबल है, इवन जो वैनिटी बॉक्स आता है, मेकअप बॉक्स जो आता है ना किट टाइप का, वो भी बहुत अच्छे रेंज में स्टार्टिंग है। एक शॉप पूरे मार्केट में एक शॉप मुझे दिखी जहाँ पे 500 का वैनिटी बॉक्स मिल रहा था, रेड कलर का, पूरा प्रॉपर ब्राइडल बॉक्स जैसा होता है रेड कलर में और शिमरी उसमें। तो वो एक ही मेरे को शॉप दिखी जिसमें 500 का था सस्ता, बाकी जगह वैसे महंगा था वो ब्राइडल बॉक्स, लेकिन वो मैंने नहीं लिया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर टाइप लग रहा था मुझे, मुझे बहुत सिंपल टाइप का चाहिए थोड़ा, तो वो थोड़ा ओवर लग रहा था इसलिए वो मैंने नहीं लिया। बाकी और भी थे उन पे, लेकिन जिसको अगर वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती जैसे शिमरी वाला तो वो ले सकते हैं। इवन यहाँ पे ये जो स्लीपर्स या सैंडल्स वगैरह है ये 100 या 150 तक की रेंज में अवेलेबल है, 100 टू 150 तक की रेंज में, उससे ज़्यादा महंगा नहीं है, लिटरली नहीं है उससे ज़्यादा महंगा इतना, वो काफ़ी अच्छे प्राइजेस में अवेलेबल है कपड़े वगैरह एंड शेरवानी वगैरह। तो यहाँ पर रेंट में भी मिलती है शेरवानी एंड लहंगे भी रेंट में मिलते हैं, तो आप रेंट पे भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा महंगा लगता है। और लेकिन जो बहुत 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 बेस्ट है ना वो उसके प्राइजेज जो बड़े बड़े मॉल हैं यहाँ पे शोरूम्स हैं उसके प्राइजेज यहाँ पे 20-25,000 तक की रेंज में है उन लहंगों के प्राइजेज जिनके घेर वगैरह काफ़ी है। और चूड़े वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, तो कुछ ये चूड़े हैं देख सकते हैं आप, ये ऐसे चूड़े हैं तो ये 1200-1000 तक की रेंज में मिल जाएंगे। एंड अभी हम एक लहंगा शॉप में आए हैं तो यहाँ पे लहंगे देख सकते हैं, ये गाइस आपको लहंगे 2000-2500 तक की रेंज में आपको ये लहंगा मिलेगा, देख सकते हैं आप इतना प्यारा लहंगा है, जस्ट इन 2000 तक की रेंज में आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ये लहंगा बहुत प्यारा है। तो ऐसे लहंगे आपको 2000-2000 में मिल जाएंगे यहाँ पे इजीली। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ गलत लगी कि वीडियो नहीं बनाने दी मुझे, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई लहंगों की, कुछ ही लहंगों की वीडियो है यहाँ पे, क्योंकि इवन मतलब वीडियो बनाने ही नहीं दे रहे थे तो मैं क्या दिखाऊँ आपको, इसलिए मैंने बार बार से दिखाया क्योंकि कोई भी अलाउ नहीं कर रहा था वीडियो बनाना। तो ये देख सकते 2000 की रेंज में ये वाला लहंगा अवेलेबल है और लिटरली बहुत ही प्यारे प्यारे लहंगे हैं ये यार, मतलब 2000 में क्या ही मिलेगा आपको, एक अच्छा खासा लहंगा मिल रहा है। बहुत गलियों में जा जाके आए यहाँ पे शॉप्स, अभी हम आ रहे हैं सुमंगल में, तो करते हैं शॉप में गए थे लेकिन वहाँ पे हमें कुछ पसंद नहीं आया, एंड इवन यहाँ पे वीडियोस बनाना भी अलाउड नहीं कर रहे शॉप में, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं आपको उस चीज़ की वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी लहंगे की, साड़ीज़ वगैरह की, क्योंकि शॉप में अलाउड ही नहीं कर रहे वो वीडियोज़ बनाने के लिए। इवन हम नॉर्मल वीडियोज ही तो बना रहे हैं, ना मैं किसी का फेस दिखा रही हूँ ना कुछ। और अभी जिस शॉप में गए थे वहाँ पे बहुत महंगे प्राइस में लहंगे थे, 4200 में वो हमें लहंगा दिखा रहा था, वो भी इतना गंदा सा अजीब सा, बोला नहीं चाहिए किसी की शॉप के बारे में, बट अच्छा नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी, एंड वीडियोज भी अलाउड नहीं करा। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अगर हम व्यूअर्स को दिखाना चाह रहे हैं कोई चीज़ तो हम उसमें कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, अगर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस प्राइस में ऐसा लहंगा है।